स्पोर्ट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ अनुष्का नामदेव। और इस तरह इंडिया लेजेंड्स ने जो है 21 मार्च को रोड सेफ्टी सीरीज के जो मुकाबले हुए उसमें जीत हासिल करी। जी हाँ, दो टीम्स जो थी जो फाइनल्स में पहुंची थी, इंडिया लेजेंड्स और वहीं श्रीलंका लेजेंड्स, वही दो टीमें हैं जो 2011 के वर्ल्ड कप में एक दूसरे के आमने सामने थी, लेकिन तब जो है इंडिया टीम ने जीत हासिल करी थी। और देखिए, इस बार रोड सेफ्टी सीरीज के मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स जो है वो अपना कमाल का प्रदर्शन जो है जारी रखी थी। उन्होंने फाइनल्स में भी अपना ये जो खिताब जीता, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अपना कमाल का प्रदर्शन जो था वो इंडिया टीम्स के बारे में बता दिया कि जो पुराने दिग्गज थे जो इस मुकाबले में भी मौजूद थे, वही दिग्गज 2011 के वर्ल्ड कप में मौजूद थे, जिसकी वजह से जो उनके अच्छे प्रदर्शन और बल्लेबाजी, दमदार बल्लेबाजी की वजह से इंडिया टीम ने जीत हासिल करी थी 2011 के बाद, 10 साल के बाद। आज ये दोनों टीमें जो थी वो एक दूसरे के आमने सामने थी 21 मार्च को मुकाबले में, जिसमें इंडिया लेजेंड्स ने जीत हासिल करी। देखिए, आपको बता दें कि पठान ब्रदर्स के बारे में बात करें तो पठान ब्रदर्स ऑलराउंडर ब्रदर्स है ये, इरफान पठान और यूसुफ पठान, जो हमेशा अपने शिकार कभी नहीं छोड़ते। इसी के साथ युवराज सिंह ने जो है 60 रन बनाए। जी हाँ, हाफ सेंचुरी के साथ उन्होंने 60 रन बनाए। और सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ द क्रिकेट जो है, उन्होंने 30 रन बनाए, जिसमें 5 चौके थे और 1 छक्का। वहीं आपको बताते हैं यूसुफ पठान के बारे में, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। जी हाँ, 62 रन का स्कोर खड़ा करा यूसुफ पठान ने, जिसमें 4 चौके थे और 5 छक्के थे, और इस तरह उनको प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। जी हाँ, युवराज सिंह ऑलराउंडर प्लेयर है, और गेंदबाजी देखो या फिर बल्लेबाजी देखो, ये दोनों में ही एकदम परफेक्ट है। वहीं पठान ब्रदर्स की बात करें तो ये लोग भी ऑलराउंडर प्लेयर, जिसमें गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अपना दमदार पारी दिखाई। वहीं आपको बताते हैं इरफान पठान के बारे में, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए। जी हाँ, 2 शिकार किए, यानी कि इंडिया लेजेंड्स तो अपनी मजबूत स्थिति में थी, मजबूत लय में थी, अपना कमाल का प्रदर्शन उन्होंने फाइनल के मुकाबले में भी जारी रखा। और आपको बता दें कि जो दोनों टीमें थी ये, इन्होंने टोटल 6 मुकाबले खेले, जिसमें दोनों ही टीम ने 5 मुकाबले में जीत हासिल करी। इंडिया लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स एक दूसरे के आमने सामने जब एक मुकाबले में आ चुकी हैं, जिसमें इंडिया लेजेंड्स ने अपनी श्रेष्ठता जो है दिखाई दी थी। जी हाँ, उस मुकाबले में भी जीत हासिल करी थी, और जब उनका फाइनल में अपनी श्रेष्ठता दिखाने का मौका आया तो इंडिया लेजेंड्स ने ये कसर भी पूरी नहीं छोड़ी और देखिए जीत हासिल करी। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका लेजेंड्स के बारे में, जिसमें जो कैप्टन तिलक रत्न दिलशन है वो इस बार नहीं चले, यानी कि श्रीलंका लेजेंड्स जो थे इस बार मजबूत स्थिति में नहीं खेले। आपको बता दें कि दिलशन ने टोटल 21 रन बनाए, जिसमें 3 चौके थे। वहीं नुवान कुलकेसर की बात करें तो सिर्फ 1 रन बनाकर ही आउट हो गए। और इस बार जो उनकी टीम में एक मजबूत प्लेयर था वो सिर्फ जयसूर्या था, जिन्होंने 43 रन बनाए। इंटेलिजेंस का स्कोर तो जो था वो 181 था, यानी कि 4 विकेट पर 181 का स्कोर था। वहीं श्रीलंका लेजेंड्स की बात करें तो 167, यानी कि 7 विकेट पर 167, और इस तरह इंडिया लेजेंड्स ने 14 रन से जीत हासिल करी। हमारे दिग्गज प्लेयर्स की मजबूती यानी कि दमदार पारी से, और होना भी चाहिए क्योंकि गॉड ऑफ द क्रिकेट सचिन तेंदुलकर थे, वीरेंद्र सहवाग थे, पठान ब्रदर्स और युवराज सिंह, इन दिग्गज प्लेयर्स की वजह से जो है इंडिया लेजेंड्स ने जीत हासिल करी। तो नीचे कमेंट सेक्शन बताएं कि आप इंडिया लेजेंड्स की जीत से कितना खुश हैं। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।